तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14C का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 0.4 मीटर। एक सिलेंडर है, उसकी बेस का डायमीटर बताया गया है 0.4 मीटर एंड इट्स हाइट इज 3/4 ऑफ इट्स बेस रेडियस। और उस सिलेंडर की जो हाइट है ना वो है 3/4 किसके, उसके बेस रेडियस की, यानी जो उसका बेस रेडियस होगा उसका अगर आप 3/4 निकाल लें मल्टीप्लाई करके तो वो उसकी कहलाएगी हाइट। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिर्फ सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल कर दिखाना है। गिविंग योर आंसर इन लीटर्स, और जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए लीटर्स में, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो यूनिट दिया हुआ है वो मीटर है, यानी हमें मीटर को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ बोर्ड पे भी लिख ली है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमें जो चीज़ें गिवन है वो हमारी क्या मदद कर सकती हैं। तो हमें गिवन है डायमीटर, बेस का डायमीटर, क्योंकि एक जो भी सिलेंडर होता है उसकी बेस जो होती है वो एक सर्कल होती है, तो उस सर्कल का डायमीटर हमें गिवन है। और वो कितना गिवन है, वो गिवन है 0.4 मीटर। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डायमीटर ऑफ द बेस, जो बेस है उसका डायमीटर वो कितना गिवन है, 0.4 मीटर। अब डायमीटर आपको पता है हमें जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है उसके अंदर रेडियस चाहिए होता है, डायमीटर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें इस डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, और आप लोग जानते हैं रेडियस का फार्मूला होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी डायमीटर का अगर आप हाफ कर दें तो वो कहलाता है उसका रेडियस, आर फॉर रेडियस। तो डायमीटर हमें गिवन है 0.4, यानी आपको 0.4 का करना पड़ेगा हाफ। तो क्या आ जाएगा आपके पास इसका रेडियस, तो रेडियस जो कि जिसको मैं आर कह रहा हूँ वो आ जाएगा मेरे पास, तो वो आ गया 0.2 मीटर। तो ये तो आ गया रेडियस। अब आगे पढ़ते हैं कि डायमीटर से हमने रेडियस तक तो फाइंड आउट कर लिया, आगे लिखा हुआ है सिलेंडर की हाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन बताई गई है। याद रखें हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाए आर स्क्वेयर एच, जिसमें आर की वैल्यू तो आपको पता चल चुकी है, हाइट की जब तक नहीं मालूम होगी आप लोग इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। और हाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चल रही है, उन्होंने कहा है हाइट इज़ 3/4 ऑफ इट्स बेस रेडियस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ तक, कि जो इस प्रिज्म की इस सिलेंडर की हाइट है वो उसके जो रेडियस है, किसका रेडियस, उसके बेस का रेडियस, उसका 3/4 है, उसका 3/4 पार्ट बनता है वो। यानी वो आपसे ये पूछ कह रहे हैं कि जो हाइट है सिलेंडर की वो है 3/4 किसके, ऑफ, ऑफ का मतलब यहाँ पे ले रहे हैं मल्टीप्लाई, 3/4 ऑफ बेस रेडियस, बेस रेडियस। अब बेस रेडियस क्या है हमारे पास, 3/4 तो वैसे ही बेस रेडियस है, अभी हमने ऊपर ही निकाला है 0.2, यानी 3/4 ऑफ 0.2। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या आता है, तो ये हमारे पास आता है 0.15 मीटर। तो अब हाइट भी निकल आई, रेडियस भी निकल आया, अब वॉल्यूम निकालना मुश्किल नहीं है। तो अब वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर के केस में पाए आर स्क्वेयर एच, पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे 22/7, रेडियस हमारे पास यहाँ पे गिवन है 0.2, यानी 0.2 का स्क्वेयर हो जाएगा, और हाइट भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं वो है 0.15, ये इस सिलेंडर की हाइट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.15। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है, तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 0.0188, ठीक है, और ये मीटर में है तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्यूबिक मीटर में आएगा या मीटर क्यूब में आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये आंसर तो आ गया है जो कि वॉल्यूम है सिलेंडर का, यही हमने फाइंड भी करना था, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फाइंड करना था, लेकिन अब हमने इस आंसर को लीटर्स में देना है, किस में देना है, लीटर्स में। तो याद रखें ये आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब जो है वो इक्वल होते हैं 1000 लीटर्स के, 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर के। यहाँ पे मीटर क्यूब पहले ही अवेलेबल है, यानी ये मीटर क्यूब पढ़ लें या 1 मीटर क्यूब पढ़ लें एक ही मीनिंग है। तो अगर मैं इस 1 मीटर क्यूब की जगह पे 1000 लीटर लिख दूँ तो ये आपके पास लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल है, 1000 लीटर के। तो सिंपली आप इस वैल्यू को 1000 से करा दें मल्टीप्लाई, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 0.0188 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि आपने एक तरह की मीटर क्यूब की वैल्यू पुट कर दी 1000, और क्योंकि आंसर लीटर में आएगा तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा लीटर, और जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा
तो आपके पास आंसर आ गया 18.8 लीटर, और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हमारा ख़त्म हुआ क्वेश्चन नंबर 3, और इसका आंसर आया है 18.8 लीटर।